जिस दरख्त तक मैं बताया है ना, तो मेरे तबूरा कोई नहीं होगा, इस बात ने याद रख लिए तू। हाय, और कोई काम कौन तेरे सारे इस फोन में लगी रहे तू? तेरी अकल ठिकाना सह ना रही, इतना बढ़िया समझी मिल रहा हमने, और तेरा वह भी सुहा कोई नहीं के। एक बात और है जिसका हमने ना बेरा। पानी इतना तत्ता पानी हाथ फूक गया, हाथ पड़ रखी इसे बहुत ना, इसने तो सबक सी खाना ही पड़ेगा। रुक आए पुराना माँ जी, कितने के जाओ? चल 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 माँ जी। मेरा पटा की साथ गर्म पानी माजी, पानी गर्म है माजी। ये वाह स्वाद मेरा लग गया, गर्म पानी बाद जला दी, कितना दर्द हो है फिर माँ? मन ने केक रहा है मेरा क्यों आज जला दिया? या गर्म पानी की बाल्टी ना दरी थी ना फिर माँ जी? मन तो बाल्टी आप तो ही दरी थी कि आप ना लोगे। तेने बताई के मेरे तई है मना दे, इसमें गर्म पानी बाद दिया, मेरा हाथ जल गया, तेना शर्म नहीं आती? बुढ़ापा में मेरे साथ दुख देने लग रही माँ जी, मैंने के जान बुझ कर करा है, मैं तो बताना भूल गई बस। जा मर जाई मैं दूर, जा मेरी आँखें कहते बढ़ता पानी घेर दिया नन्हू तो पढ़ना कौन छूटे। हे भगवान, मैं किसी ने दुख नहीं देना चाहती, फिर मन्ने क्यों इतना दुख मिल रहा है? अब मैं क्यों कर घर का काम करूंगी, हाथ में बहुत जलन हो रही है। बेटा जनक। हाँ बाबू। तेरे ससुरे तो मिले कई दिन हो लिए, अब मिलाओ ना फोन। ले बाबू। ले हेलो। के ज्ञान से किरसन बोल रहा हूँ मैंने, अलगड़ते हैं। राम राम चौधरी, और ठीक सो? हाँ कति ठीक सो, तुम बताओ सारा कुनबारा जी खुशी? हाँ सारा कुनबा मौज में से, राम की दया ते। नंबर नहीं पिछाणा के तने चौधरी, मैं तो अनपढ़ सू, मेरे कितने नंबर पिछाण में आवे थे, मैं तो फोन ने ठा लू और के काटना जानू हूँ। फिर मार जा गेड़ा, बहुत दिन हो मिले फेटे। कोई ना, जरूर टेम सा काट के आऊंगा। हाँ आ जरूर, तारा है घर से? हाँ चौधरी, इब तो बीमारी का गात हो रहा से, घराए पड़ा रहूं हूँ, बाहर भीतर तो कम में जाऊं हूँ। कोई ना, गात करड़ा करके मारो चक्कर। ठीक से, राम राम। राम राम। ले बेटा तेरा फोन। बाबू ठीक से के मेरी ससुराड़ी है? हाँ बाकी सब तो ठीक से, वो तेरा ससुरा बीमार रहा हुआ है। बाबू उम्र हो रही है और बुढ़ापा चीज भी सी है। चलो कोई ना, चल पर ले खेत हम चलेंगे, गेहूं हम देख के और पानी लग गएगा फिर बंद करना पड़ेगा। ठीक से चल बाबू। सर गाल दे वा गिलासी गाल दी होगी। ए बहू आजा मेरे पैर दाब। आई माँ जी। आवली आ जा कि मैं काम कर दे, बहुत टाइम ला दे से। आगे माँ जी। दा पैर। कि मैं जोर ला ले आ टूट रहे सके, जमा सत को नहीं हथे मैं। माँ एक हाथ दाब कम पड़ा है। क्यों हम जमा सत को नहीं, दस टूट रही है कितरी? माँ एक हाथ में दर्द जलन बहुत हो रही है। माँ कुछ ना हो रहा, काम तो रन दे बने नटो अगर तू समझी, दाब दे पैर। तो माँ पैर ताबन तो लग रही, और किस तरह दबिया करें?
और बात का जवाब देना जरूरी को नहीं इस जबान का लगाम दे दिया कर समझी। ठीक समझी भाभी। ए भाभी अरे क्यों पो पो कर दावे दुनिया के बालक वार्ता हो जी मामा कर दिया तेरे तो हर वक्त जुबान पर भाभी भाभी रे चली जाए तो माँ भाभी जुबान पर रखने जोगी है मेरा बाल का जीव ख्याल रखे से। अरे मैं के तेरे कांडे चुबाऊ सुन माँ छोड़ देना है भाभी कड़ी भूख लगी मेरे खाते रोटी गाल दे। ठीक से जब तेरे दाब दिए पैर तो गाल दे छोरक रोटी। ठीक है मुझे शैनी हाँ जी यो हाथ कले पापा क्यों लपेट रखा है वो हाथ जल गया जी हाथ नू क्यों कर जल गया थोड़ा ध्यान ती कर लिया अगर काम है अरे कुछ ना चाह बनाओ थी ताती चाह पड़गी फिर दवाई ले लेती अरे इसका कोई करीम के कोलगेट लगा लियो बस जी नू ठीक हो जाएगा लापरवाही ना करे अगर इसे मामले में काम का छोटा हा गाव बड़ा बन जाएगा लापरवाही करे तय मन तो बतेरा का था अग दवाई ले ले फिर ये मानी है ना वाह या ऐसी ही है बावली विद्या मैं डॉक्टर के जाऊं दवाई लेके आऊं हूं। ठीक है तावला जा जिस जरक तक मैं बताया है ना तो मेरे तबूरा कोई नहीं होगा इस बात ने याद रख लिए तू हाँ माँ जी जो आज तक मैंने कुछ बताई है जो मैं उस तक बताऊंगी। ठीक है चुपचाप काम लगी रहे गरीब और शरीफ घर की होने का नुकसान है बस इसके अत्याचार बर्दाश्त करते रहो ना किसी तो कुछ बोलो और ना किसी तो कुछ कहो ही समझ माई कि घने संस्कार भी किसी काम के नहीं होते किसी काम के नहीं होते। योगी बेटा गुंजन दो रहे एक पे फोन मिलाई है जाता हूँ ये मिला है गुंजन का नाम तो इसे ही ना हाँ बाबू का फोन इस बड़े माँ का भी सारी अन फोन बात जीजा से न्यू कौन वेरा किसी के लिए बात करे से। हेलो बाबू राम 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 बेटी राम राम तू ठीक से है। हाँ बाबू मैं तो ठीक सू पर तू नू बता तेरी तबीयत किसी है। बस बेटी चाल रही से सांस बाबू तंदुरुस्त रहे तेरा मन बैठे का है सारा बहुत से बेटी काल माँ हूँ बहुत बढ़िया बात बाबू मैं तो आन ना पाती इस बहाने हम मिल तो लेंगे तू आ जा कल। हाँ बेटी कल ले आऊंगा हर शाम न उल्टा ही जाऊंगा। कोई बात ना बाबू तू आ जा बस। ठीक से बेटी बेरा ना कितनी बार होगी किसके लिए बात कर रहे मैं देखूं जागे ना हाय और कोई काम कौन तेरे सारी इस फोन में लगी रहे तू। माँ मेरे बाबू का फोन था और तू भी बस मारने के बहाने ढूंढे जा है। वो अबू ढाई समर में फोन रखे है चाले पड़े वो भी। माँ किसी बात कर रहे तू घर में एक फोन तो रवे है हर जब उसका जी कर है तो मिला का बात कर ले है। चल ठीक से कर ले भी काम है। माँ कल मेरा बाबू अड़े आऊंगा। अच्छा क्या करा फिर फूल माला मंगवाऊंगे आ जाएगा बतेरा लंबा चढ़ा रहा पड़िया से। माँ मैं तो बस बताऊंगी थी। ठीक से आ जाएगा और बात सुन
जिसके कान भरे है ना तो देख लिए फिर जाना है मन ना। माँ कुछ ना बताऊ मैं बाबू तो माँ क्यों कर भाभी के सारे पाछे पड़ी रहे है। देख लिए अपना हिसाब लगा लिए तू। माँ के हिसाब किताब की बात चल रही है। अरे कुछ ना तेरे भी 24 घंटे काम आ रहे रहे जहाँ से। ना माँ इसी बात तो ना से भाभी तेरा चेहरा क्यों उतरा रहे आजकल कोई दुख तकलीफ तो ना से। अरे इसने क्या दुख तकलीफ वो थी मौज ले रही से एकली मालकिन से पूरे घर की। भाभी ये बात से और किन बात से। हाँ हाँ माँ ठीक है। अरे तू चल इसने काम कर दे मन तेरे से बात करनी से। मेरे गल के बात करेगी। अरे तू चल ओडे बैठ मेरे गल। आ जा ले अड़े बैठ मेरे तोरे। हाँ माँ बोल के कहती। अरे मैं नहीं पूछू थी तेरी पढ़ाई किसी चल रही है। माँ मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है पर तेरा आज की जिम्मा मेरी पढ़ाई पूछने की। क्यों मैं पूछ नहीं सकती। फिर भी माँ थोड़ी बहुत देर माँ बाप दोर भी बैठ जाया कर। माँ टाइम लागे जब तो बैठे जाऊँ उसमें। के बतला रहे हो माँ बैठे। के ब्याह की बतला माँ थे बस नुए बैठे सा। क्यों ब्याह की बतला इसको हो राज की उम्र हो रही है ब्याह उनकी। रहन दे एक ने तो पाड़ दिए पूरे इसे दूसरी ने हल करेगी। क्यों माँ भाभी में क्या कमी से। तन्ना तो कोई कमी ना दिखे तेरी भाभी में तू तो मुट्ठी में रखा सा उसने मेरा नहीं सा केक हुआ हो बात ने। माँ इसी कोई बात ना है। इसकी गलती ना है बेटा कि सभी सासू ने आपकी बहू अच्छी लगती है कोन्या। आजकल की सासू जब तक आपकी बहू की बुराई ना कर ले ना इतना उनका रोटी जमा ना होती। हाँ सही कहे बाबू। हाँ इस घर में तू और तेरी भाभी और तेरे बाबू सारे सही सो और तो सब पापी से। तू सारे दिन बहू का गल्ला ना लगी रहा कर। बहुत बढ़िया बहू आ रही अपने ना गम में देख ले कितनी सासू कुंड में ला रखी है बहू माने। अच्छा इफ थम नु चाहो सो अगी अब मामा ना कुंड में लगा दे अब थम दो तो मासा देखियो। अरे किसी बात करे तू तुम्हारी दुश्मन से के जो हम तेरे साथ न्यू करना चाहवांगे। माँ बाप बिगल मिलजुल कर आया कर मीठे बोल बोल लिया कर और काम करवा लिया कर। अरे इनको सताते चिमटे लाऊं समझता है। माँ एक बात तो मैंने देखी से भाभी खुश ना रहती मायूस सी रहे है अरे इस बात में तू भी समझ सके है। अरे वाह सही मुझे मुंह की सात दिन मुंह लटकाए हंडे जा इसमें मेरी की गलती है। ठीक है सैनियो छोरा लुगाई का दर्द लुगाई ये समझ सके है और तन्ने उसके दुख तकलीफ की पूछनी चाहिए। तू इसकी मास है और वह तेरी बेटी। आहो मेरा समझ है। ठीक सब बाबू मैं चले ग्राउंड में मेरा प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। ठीक सब भाई तू जा। अरे वो जनक कड़े है खेत में तो तालिया ये बेरा गोनी कित से घर तो ना आया। अरे तो बाहर गया होगा कि ते मानस ने 100 काम हो है अब तेरा पल्लू नीचे बैठा रहो है। ना मेरे पल्लू नीचे तू बैठ जा जा तू भी। मैं बहुत बोल रहा यार बेरबानी तो चेपी रहा है मेरे तो काम की कहते मैं बोल तो बोलूं सो मन नहीं उठना पड़ेगा कर ले कि मैं रोटी टुकेगा। हाँ खा ले पराठे कराओ कर ले मेरा शर्म दर्द ना करे। रशनी क्या कर रहे है। कुछ ना जी इब घर का काम करके बैठी थी। अच्छा नू बताओ हाथ की दवाई लेके आया था कि मैं आराम होया कि ना। हाँ इब आराम है लगाऊं दवाई बस एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक से जब तक ठीक ना हो ना तो लगाती रही इतने। हाँ अच्छा मैंने कहूँ थी के एक काम करियो खेत में जाने से पहले ना सूजी ला के दे जियो कल मेरा बाबू आऊगा हलवा बनाओगी के। हाँ एक से खेत में जाऊंगा जब ले दूंगा। ले आइयो जी आते। ठीक कुछ बोल के नहीं तो घना ही खंड गया। अगर मेरी सासू ने मेरा पाट गया तो सारा घर सर पर ठा लेगी। गंदा कपड़ा लेकर आऊँ और इन साफ कर दो फटाफट। देख रसोई खुली छोड़ रखी है कोई बिल्ली कुत्ता बढ़ जाए क्या ही का लखन को नहीं। अरे कमीनी क्या खिला रखा था यो आए मामर की है आए माँ जी क्यों वो हो गया जो तू चाहती
यो तेल मन्ने के अन खतर खिंडा रखा था के और ए ना माँ जी गलती तो पड़ गया ये उठा तो दे मने हाँ। राम की बंदी न्यू मेरा कानी देखा सा जोर लगा ले एक तो हाथ का पहले लग रही है और तोड़ के गिर दे गंडा सा ले ले मने हाय तू न्यू बता मने मारना चाहो तू तो फिर माँ जी मेरे क्यों मारो अच्छा न्यू बता जो तेल तेरे बाबू ने खिलाया है हाँ, एक तो तेल का नुकसान कर दिया और ऊपर तो मेरे चोट लगी हुआ न्यारी तो माँ हर बार मेरी माँ और बाबू ने क्यों बीच में लेकर आया करो आप जाऊंगी मेरी मर्जी मन उसकी ते की काम की नकाजगी दुश्मन नाज की इस घर में कि मैं फायदा भी करेगी अगर वो ढूंढ काग लगाओगी माँ गलती होगी मेरे तेल खंड गया गलती तेरी को नहीं तेरे माँ बाप की से जो इसी मनुष्य जाम दी जाम दी वाता ठीक थी ये मारा पल्ला जंजाल क्यों बांध दिया कड़ा चाली बे इन आँखें मासूम टपकाए जा मरा सा कि मैं कह दे बस हो गया नाटक शुरू बेल आज की तेकी इतनी बड़ी गलती तो ना थी जितनी मैंने सुन ली हर बार मेरे माँ बाप ने कोसे जागी मेरा नहीं किसी लोग आई है मेरे तनु समझ न आती अगर मैं सुने जाऊं तो या मेरे ऊपर नुए अत्याचार करे जागे और कुछ बोले तो मैं बुरी बन जाएंगे हे भगवान मैं क्या करूं मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती कुछ समझ में नहीं आती अरे राजे हाँ भाई घर जावा है के हाँ घर ने जाऊं था ले या घर ने सूची दे दिए मंगवाई थी तेरे बाप भी निर्माण कह दिए मैं खेत में जाऊं सो ठीक से भाई ओरे हे मां मर गई तोड़ दी रे अरे मां खा तेरे के हो गया हाँ ओए ये तो तू भी खुश हो गया होगा अरे खुशखबरी जब राज ने बेरा पटका तो वो भी खुश हो जाएगा घने समाचार तो पढ़ है ना साफ साफ बता के बात से तेरी बहू ने घेर दी माज फर्श पे तेल खिंडा के तेल खिंडा के बात के मैं समझ में ना आई मेरे हाँ तू भी मेरे चोट लगी के पूरे स्वाद ले होगा उसने फर्श पे तेल खिंडा दिया और मेरा पैर भी सिड़ गया पड़गी मैं फिर बहू पर क्यों दोष धरे है देख कर चल लिया करे हाँ तू तो रहने दे बस ले मां सुजी सुजी क्या खातर है हलवा नहीं बनेगा आज हे भगवान मेरा चोट लगन में इतने खुश हो अब तुम हलवा भी बना के खाओगे किसी चोटे तेरे के हो गया मां तेरी भाभी ने साजिश करके चोट मारी है मेरा आज बाबू तू ही बता के हो गया मां तो साफ साफ बताती ना सारी बात तन घुमाने लग रही है अरे कुछ ना होया तेरी भाभी का हाथ में तेल था वो खंड गया फर्श पे अरिया देख कर ना चल रहे थे सड़का पड़गी चोट लगी मैं जान के पड़गी न्यू क्यों ना कह दे अब तारी मुंह ना जान बूझ के करे यो सब मैं पागल से के तू किमी भी कह दे है बोलने तो पहले थोड़ा बहुत सोच भी लिया करे अरे मन ना छोड़ यो फालतू का खर्चा करने का किसका आइडिया था या सोची किसका तरह ही घर में सुने सम दिया हो साज बहू उस खातर हलवा बनाती होगी अच्छा उसका बाबू आवे है जी बता पकवान बनाओगी वा मेरे तो ढंग तक दे पानी की भी ना पूछे अरे खूब सेवा करे है तेरी फिर भी तेरा कोई गुण निशान को नहीं उसका कुछ ना है मन मन में बहुत खार खाओ तारी लाडली बहू माँ मैं सूजी देखा हूँ भाभी ने हाँ भाभी की पड़गी मन तो कोई पूछता भी ना तो माँ सूजी दिया फिर तन लेख साल लूंगा डॉक्टर के तावड़ा आजा बेटा मेरा दर्द हो रहा है दिया भाई तो दिया भाभी हाँ देख रहा भाई तो आपने सूजी मंगाई थी ना हाँ मंगाई तो थी पर तेरा भाई कित से भाई खेत में गया नू कहता तेरा मोसा होगा तो आज मैं खेत में जल्दी आऊंगा नू कहता ठीक से आज बाबू उल्टा जान के भी क्या था भाभी आज माँ का चोट क्यों कर लगी देवर यो उलाना तो मेरे सर हो गया मेरे पर तेल खंड गया हर माँ जी का पैर फिसल गया फिर उसको चोट लगी माँ जी को चल ठीक से तो माँ है ना मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊँ कदे गणी ना लगी हो ठीक है आज तो खुआवेगी बाबू बेटे ना हलवा मेरे चोट मार के और खुद हलवा बना लग रही है बेशरम शरम भी कोई आवे नहीं चल माँ डॉक्टर के चल चल बेटा
मेरे तो पहले दाती लाग रही थी, बरसम काटन गई और लग जनक पूरा ही बेटा। हाँ माँ। बेटा ये बेहतरी माँ है ना, घने दिन की ना है। क्यों हो गया माँ, इतनी माड़ी क्यों बोल रहे हैं? रजिश का माड़ी बहुआ जाना वन में कहा करे। के बात होगी, मुंजन ने के में कह दिया कि? अरे कह दिया कौन बेटा, उसने तो बस करे दिया। माँ ऐसा क्यों कर दिया? बेटा वो मने मारना चाहो है। माँ वो क्यों मारना चाहोगी तने? बेटा तू कौन जाना आजकल की बहुआ ने, ये आजकल वाली बहू है ना सास वो ने देख के राजी को नहीं, के तो तू तेरी बहू ने समझा ले ना तो मेरा मरिया मुंह देखेगा। माँ तू चिंता ना करे, जब उसकी गलती पाए ना तो इब उसके कान खींचू हूँ मैं। ठीक से बेटा जा कर दे कान कर दे। गुंजन है सुने के? हाँ जी। के कर रही थी? बस थोड़ा हलवा बनाया है और सब्जी बनाई, रोटी की तैयारी करू थी। बैठे के बात करनी तेरे ते। हाँ। मन्नू बता तेरी सासू बहू के नोक जो करी है? मेरी और तो कुछ ना है जी, पर मेरे तो नू समझ में आती माँ जी के मेरे नाम की क्या दिक्कत है। मानू का है तन्ने दिक्कत से, तू नू का माने दिक्कत से, मेरे तो दर्द दोनों की बात तो समझ में ना आ रही जी। सारी बात तो मैं आपने बताती भी कोन्या कि रात तो बाढ़ आछी, अगर मैं आपने सारी बात बताने लग जाऊँ तो आपको नू समझ में आ जाएगी कि माँ मेरी गला के करे हैं। ये मैं किसकी सुनू, इन जाऊँ तो कुआर इन जाऊँ तो खाई, मैंने तो काम तो फुर्सत ना मिलती मन्ने के मेरा कौन सही है कौन गलत है। देखो जी मैं माँ जी की आप तो शिकायत ना करती, माँ तुमने सारी अड़ताने दी जाए, मेरे माँ बाप ने कोसे जाए, घर का सारा काम मैं करूँ, माँ जी तो एक घर का काम का हाथ भी ना लाती, पर मैंने फिर भी आज तक कोई शिकायत नहीं करी। सुन सैनी माँ बड़ी है तू समझदार से, और ज्यादा के कहूँ तने। ठीक से जी मैं ध्यान रखूंगी। इतने मोटा आ गया रे सैनी, ले सम दिया आ गया तेरा। सुन सुन राम राम। राम राम जी राम राम। बैठो तो तेरे साथ। आ गया बाबू तू? हाँ बेटी आ गया। राम राम बाबू। राम राम बेटी। ठीक से तू? हाँ बाबू। राम राम करे जागी कि मैं चाह पानी बनाऊंगी तेरे बाबू खातर। हाँ माँ ले आऊं सू बना के। ना बेटी रहने दे, समझन चाह तो मेरी बंद से। कोई ना बाबू, रोटी आटी हो रहा है, रोटी खा लियो। हाँ जी सब तैयार है बाबू, मैं तेरे गर्मा गर्म रोटी बना दूं। ठीक से बना ले बेटी रोटी। मेरा सारी मन की मन मद रही है, चुक्कर बदला लियो, चुक्कर सबक सिखाऊ इस संडाल ने। कड़ा साली माँ जी रोटी खा दी, बाबू और ने कह कहूं की रोटी खा लेंगे। और सब न खा ली? माँ जी उन नाराज ने तो खा ली, बस आप तीनों रह रहे हो। ठीक से जा खाया तो। ये मिलिया मन मौका। या सा इसका बाबू की थाली, इसका बाबू ने भी साल हुआ खाया नहीं होगा कभी। चलो चौधरी रोटी खा लिया है ना, सीढ़ी होगी फिर गुंजन ने कई देर होगी कई ने। चलो फिर एक बार हाथ मुंह धो लेते। हाँ हाँ भीतर ना है बाथरूम आ जाओ।
जाया हो चौधरी साहब। रुक जाओ मूसा, बाथरूम के भीतर मत जियो। क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ तू बताओगी मैं बताऊं? बेटा मन्ना क्या बताना है, मन्ना करिया के है? माँ इतनी बोली ना मने, मन्ना सारा बेरा है। क्या हो गया देवर? बेटा क्या बात होगी, सब के शहर में बता। बाबू मेरी माँ बाथरूम के बाहर तेल खिंडा के गई है कि मेरा मोसा भीतर जावे और पड़ जावे। बेटा यो के कान लाग रहा से, मैं तेल क्यों खिंडाऊंगी? मेरी क्या दुश्मनी है तेरे मोसा के ले? वो खिंड रहा होगा तेल बाथरूम के बाहर ना गए। माँ मैं समझ गई, जुगर तेरे चोट लागे ना नुए, तू मेरे बाबू को चोट मारना चाहो है? बाबू तेरे दिमाग में फर्क से के मैं ऐसा क्या खतर करूँ थी? माँ क्यों झूठ बोलने लग रही है, मेरे दोरे वीडियोस है। ले देख ले। ओ मूर्ख है, तेरी अकल ठिकाना सहक ना, अरे इतना बढ़िया समझी मिल रहा हमने और तेरा वह भी स्वर्ण को नहीं के। एक बात और है जिसका था हमने ना बेरा, माँ थोड़ी देर पहले बाबू के हलवे में नमक मिला खाई थी। माँ तेरी खटपट मेरी गैल थी, मेरे बाबू गला के दुश्मनी काट थी तू। समधनी इतना है बुरा लागू सुन है, तुम आना है छोड़ दूंगा, हम खुश रहो। ना समधी आना क्यों छोड़ दोगे? मैं थारा सब पर हाथ जोड़ कर अपनी गलती की माफी मांगू सु। हाँ यो सब मन नहीं करया से, हर मन ने खून सम करया है। अरे भगवान है, बहु तो बेटी बराबर होया करे, और बहु गैल किसी खून से। हाँ सेना मेरा समझ में आ गई, बहु बेटी होया करे। माँ मेरा घर उजाड़ने पे क्यों चल रही है तू? मैं बसूंगा जब तू बसेगी और यो घर बसेगा। बेटा तेरी माँ तेरा अग्गा हाथ जोड़े खड़ी है, मने माफ कर दे एक बार। हर बेटी गुंजन मने तेरे पे बहुत जुलम करे, उसका तो मने माफ कर दी। अरे एक बात और बताऊं, वो बहू का हाथ चात ना जड़ा, मने जड़ाया था। रहो चंडाल, और के कांड कर रखे है तने? अरे यो तो बहू का बड़प्पन से, जो इसने किसे तो ही कुछ ना बताई। देख मामा भी को बड़प्पन है, घर में कलेश ना हो जहाँ तो चुप रही। हाँ बेटा सही कब है, बहुत भगवान बहु मिल रही है अपन, बस मन नहीं कदर ना करी। समझन इस गलती ने भी सुधार लो और खुश रहो। ना चौधरी साहब अगत ऐसी गलती ना करूं, एक मौका और दे दो, अपनी बहू ने बेटी बना के रखूंगी। ठीक से माँ, बाबू रोटी खा। माता पिता को जो स्वर्ग ले जाए वो होता है बेटा, और जो घर में स्वर्ग ले आए वो होती है एक बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो होती है एक बहू। राम राम दोस्तों, पासले वीडियो में हमने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया था, और आज मैं उड़ कह आया हूं ना ये बुक का मेरे व्यूअर सारे है ना 10-10 शेयर करेंगे, तो मेरी इज्जत का सवाल है शेयर कर दियो। और एक बात और है, मेरे नाम के ना 10-10 कमेंट भी करियो, सबसे ज्यादा हरी चलन लग रहा है वीडियो का शूट, तो इस वीडियो खातर भी आप इंतजार करियो और इसका भी दुम्मा हटा दियो। जाऊँ ही मैं।